देखो, और एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल ही है. पेज नंबर 61 का एग्जाम्पल देखिए, एक हम लोग और एक देखते हैं. एज ऑफ निर्मलिस मदर इज 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ निर्मली. एज ऑफ निर्मलिस फादर इज 5 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ निर्मलिस मदर. इफ द एज ऑफ निर्मलिस फादर इज 41 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ निर्मली एंड निर्मलिस मदर. तो देखो, हमें ना यहाँ पे एक एज बेस्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है. एज प्रॉब्लम्स बोलते हैं, या एज बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, या प्रॉब्लम ऑन एजेस बोलते हैं. इस तरीके का ये सेम इस तरीके का क्वेश्चन आप जब कम्पिटेटिव एग्जाम, नौकरी के लिए एग्जाम लिखोगे ना, तो उस दौरान भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है. तो आप सोचो, क्लास 7 रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम, ये जिंदगी भर आपको जब भी एग्जाम दोगे आप लोगों को ये क्वेश्चन इस तरीके का आता ही है. तो देखो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, एज ऑफ निर्मलिस मदर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ निर्मली. मतलब हमें निर्मली का एज पता नहीं है, लेकिन उसका मम्मी का जो एज है वो निर्मली का मम्मी का एज निर्मली से 3 गुना ज़्यादा है. ठीक है, अब फिर से समझिए, हमें निर्मली का एज पता नहीं है. कोई लड़की है निर्मली, हमें उसका एज पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है वो, कि निर्मली का मम्मी जो है, निर्मली का मम्मी का निर्मली से 3 गुना एज ज़्यादा है. मतलब 3 टाइम्स ग्रेटर देन निर्मलिस एज, ये दिया हुआ इधर. ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है निर्मली से. उसके बाद निर्मलिस फादर इज 5 ईयर्स मोर देन द एज ऑफ निर्मलिस मदर. निर्मली के पापा का जो एज है वो निर्मली के मदर से 5 साल बड़ा है. ठीक है, 3 गुना बड़ा था निर्मली के एज से निर्मली का मम्मी का एज. मतलब उनका मम्मी का एज निर्मली से 3 गुना बड़ा है. और यहाँ पे निर्मली का पापा का एज जो है, पापा का एज निर्मली के मम्मी से 5 साल बड़ा है. ठीक है, 5 साल. तो उसके बाद बता रहा है, इफ़ द एज ऑफ निर्मलिस फादर इज 41 ईयर्स, हमें बता रहा है कि निर्मली के पापा का एज कितना है, 41 ईयर्स है. फाइंड द एज ऑफ निर्मली एंड निर्मलिस मदर. हमें क्या करना है, निर्मली का एज निकालना है और निर्मली की मम्मी का एज निकालना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कि गिवन क्या है. हमें यहाँ पे पता है, एक डाटा दिया हुआ है कि निर्मली का मम्मी का एज हमें पता चल गया, थोड़ा बहुत निर्मली के एज के रिलेटेड है. निर्मली के पापा का एज पता चल गया है कि नहीं. तो सब एक इंटरलिंक्ड एज है, जहाँ पे हमें निर्मली का एज अगर मालूम चल गया तो हम सारा एज निकाल सकेंगे, है कि नहीं. हमें बस निर्मली का एज पता करना होगा, क्योंकि निर्मली के एज से उनका मम्मी का 3 गुना ज़्यादा है. उसके बाद निर्मली का पापा का एज जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, इज नॉट इट. तो हम इस तरीके से, अगर हमें निर्मली का एज पता चल गया तो हम लोग निकाल पाएंगे. तो हम उस तरीके से लिखे हैं, लेट द एज ऑफ निर्मली बी एक्स. हमने धोड़ा होलो निर्मलीर बॉयस एक्स. ठीक है, हमने निर्मली का एज क्या मान लिया, एक्स मान लिया. अब एक्स मान के हम आगे क्वेश्चन देखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार है, मदर्स एज, निर्मली का मम्मी का एज कितना बता रहा था वो, 3 टाइम्स एज ऑफ निर्मली. मतलब 3 गुना निर्मली का एज से 3 गुना ज़्यादा. तो निर्मली का एज हमने क्या माना, एक्स मान लिया. सो 3 गुना ज़्यादा ऑफ एक्स कितना होगा, 3x हो जाएगा. तो हमने 3x लिख दिया. ठीक है, सीरियली सिक्वेंसली आपको जाना होगा. निर्मली का एज हमने एक्स माना, उसका मम्मी का एज जो है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x हो गया. ठीक है, फादर का एज, अब फादर का एज वो बता रहे हैं 5 ईयर्स मोर देन मदर्स एज, मम्मी के एज से 5 गुना ज़्यादा है. ठीक है, तो फादर का एज जो है वो मम्मी से 5 गुना ज़्यादा है. तो मम्मी का एज हमने कितना यहाँ पे जोड़ा था, 3x, हमें मालूम चल गया था 3x है प्रश्न अनुसार है. सो हमने पापा का एज यहाँ पे लिख दिया 3x+5, क्योंकि 5 गुना ज़्यादा है ना, 5 साल ज़्यादा है, 5 गुना नहीं, 5 साल ज़्यादा है, तो 3x+5. ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी देवाच है, निर्मलिस फादर एज इज 41 ईयर्स, हमें तो मिला है ये. निर्मली का पापा का एज कितना है, 41 ईयर्स. सो हम अगर इक्वेशन बनाना चाहे यहाँ से, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, 3x+5, ये 3x+5 क्या हो गया, निर्मली का पापा का एज. देखो आप ऊपर हमने ये लिखा कि नहीं, 3x+5=41. ये 41 क्यों लिखा, क्योंकि 41 एज दिया हुआ है पापा का, और हमने इक्वेशन बनाया, एक्सप्रेशन बनाया था 3x+5, उनका पापा का एज, इज नॉट इट. सो ये दोनों तो सेम है, 3x+5 और 41, तो हमने उस लिए लिखा यहाँ पे 3x+5=41. ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आया होगा आपको. और अगर इतना समझ में आ गया, इजीली आप कर पाएंगे. तो हमने इक्वेशन एक बना लिया, उसके बाद हमें वैल्यू किसका निकालना है, हमें एक्स निकालने से तो सारा आंसर निकल गया, तो हम एक्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे. देखिए, 3x+5=41 हमने लिख दिया, तो 3x = 41, ये +5 उस तरफ जाएगा राइट साइड में, तो -5 हो जाएगा. सो -5,
उसके बाद x समान समान 41 माइनस 5 बाय 3, ये बाय 3 क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, 3x था ना, 3 इंटू एक्स मतलब, तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, जब राइट हैंड साइड में जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 3 हमने कर दिया, सो x इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट किया हमने 41 से 5, हमें मिल गया 36 बाय 3, तो फर्दर हमने जब सॉल्व किया हमें मिल गया x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू हमें मिल गया 12, ठीक है। तो ये x जो था, x क्या था, हमने आप फर्स्ट लाइन में देखिए, हमने धोरा होलो निर्मलीर बॉयस x, हमने निर्मली का बॉयस कितना माना था, x माना था, तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 12, सो देयर फॉर सुतरांग निर्मली का बॉयस कितना होगा, बॉयस कितना होगा 12 ईयर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आया आपको। तो हमें निर्मली का अगर एज पता चल गया तो मम्मी का एज हम लोग इजिली निकाल पाएंगे, कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि निर्मली का मम्मी का एज था 3 गुना ज़्यादा निर्मली से, निर्मली से कितना 3 गुना ज़्यादा, तो 3 गुना ज़्यादा कितना होगा 3 इंटू एक्स, है कि नहीं, तो x का वैल्यू है 12, तो हमने 3 इंटू 12 कर देना है, सो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 ईयर्स, सो निर्मली का मदर का एज हो गया 36 ईयर्स। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप एक दो बार करेंगे इसको ना खुद से, क्वेश्चन को समझ समझ के करेंगे, आपको तो बंगाली में एक बार पढ़ना होगा, आपके बुक में है ये पेज नंबर 61 में आप पढ़ेंगे, वहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप एक बार ध्यान से पढ़िए, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप कीजिए एक बार।